हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ 2020। और क्योंकि न्यू ईयर की स्टार्टिंग है तो हम भी स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। एज वी ऑल नो कि हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अच्छी हेल्थ रिफ्लेक्ट करती है गुड क्वालिटी लाइफ को, और इस चीज़ का एहसास तब होता है जब हम बीमार होते हैं। तो आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे ये प्रे करने के साथ साथ 5 वेज में शेयर करूंगी जिससे आप खुद को फिटनेस ट्रैक पे लेके जाने के लिए मोटिवेट कर सकें। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ चेंज योर थिंकिंग। फिट होने और अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हम इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल चेंज, और ये डिपेंड करता है कि आप फिट रहने के लिए कितने फोकस्ड हैं और आपके लिए फिटनेस का मतलब और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस और वेट गेन। किसी के बॉडी स्ट्रक्चर से ये पता लगाया नहीं जा सकता कि कोई कितना फिट है। मेरे लिए एक फिट बॉडी का मतलब एक एक्टिव और डिसीज़ फ्री बॉडी है। सो किसी ड्रेस में फिट होने और कोई पर्टिकुलर ट्रिप या फंक्शन के लिए बॉडी फैट को कम या ज़्यादा करने के लिए माइंड प्रिपेयर करने की बजाय ट्राई टू चेंज योर लाइफस्टाइल, ताकि आप कम्प्लीटली एक एक्टिव पर्सनैलिटी बन सकें। नॉट ओनली फिजिकली, आपका माइंड भी एक्टिव रहना चाहिए, और उसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेडिटेशन को हम भूल ही जाते हैं। बिकॉज अगर माइंड फिट है तो बॉडी हमेशा फिट ही रहेगी, लेकिन सिक और यू कैन से नेगेटिव माइंड के साथ हेल्दी बॉडी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इन 2020 प्रिपेयर योर माइंड टू फील गुड, और ये तभी हो सकता है जब आपकी हेल्थ अच्छी रहे। फर्स्टली चेंज योर थिंकिंग एंड प्रिपेयर योर माइंड टू बी फिट। सेकेंड पॉइंट इज स्विच ऑफ द स्क्रीन एंड गेट एक्टिव। एवरी ईयर हम एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने भर से चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। सो डोंट से आई विश बट से आई विल। उसके लिए एफर्ट तो लगता ही है। अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सच नहीं मानती जब कोई कहता है कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। एक्सक्यूजेज ना बनाएं और अपनी हेल्थ पे फोकस करें। नो, सबकी लाइफ बहुत बिजी है, फिर चाहे वो कोई बिजनेसमैन, वर्किंग या फिर हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। बट एक बार आपको अपने शेड्यूल को खुद ही चेक करना होगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन टाइम को फिजिकल एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से बढ़ती एज का इफेक्ट आपके फेस पे नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको एक्सटर्नली स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी वर्किंग कंडीशन में रखती है, और आप एक फ्रूटफुल लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। मेडिसिन को अपनी लाइफ से निकालना है तो स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। 2020 की स्टार्टिंग है, और आप रेजोल्यूशन लें कि इस ईयर के एंड तक अगर आपकी हेल्थ खराब है तो उसे ठीक करने में अपना 100% देंगे बाय डूइंग एक्सरसाइज। और अगर आप फिट हैं तो इस फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए कभी भी खुद को लेजी होने नहीं देंगे। स्टार्टअप थोड़ा मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट 30 डेज तक खुद को पुश करने भर से ये आपकी हैबिट बन जाएगा और रिजल्ट पॉजिटिव मिलने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको जिम ही जाना पड़ेगा, घर में भी बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी एक योगा मैट, जिम बॉल, केटलबेल, डंबल्स, स्टेपर और एक स्किपिंग रोप है। इन्हीं को यूज करके मैं पूरी बॉडी को एक्सरसाइज देती हूँ। जब मेरे पास ये सब भी नहीं था तो भी मैं एक्सरसाइज करती थी अपने बॉडी वेट के साथ। सो एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होती है डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपको किसी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। वॉक करें, रनिंग कर सकते हैं, डांस इफ़ यू लाइक टू डांस, जो भी करने का मन करता है, डू व्हाट यू लव टू डू। भी पॉसिबिलिटी है कि वीडियो को देखते ही कुछ लोग एक्सरसाइज करने का मन बना लेंगे, जो कि अच्छा भी है। बट मैं यही कहूँगी, फर्स्ट यू एनालाइज कि क्यों करना है और मेक अ पॉसिबल प्लान फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अ न्यू रियलिस्टिक डाइट। न्यू ईयर में फिट होने का मन बनाएं तो याद रखें कि इस पॉइंट को फॉलो किए बिना सारे पॉइंट्स वेस्ट हैं। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें बट डाइट में चीटिंग आपको कभी अपने गोल को अचीव करने नहीं देगी। और ये उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ आपको हर वो चीज़ जो आपकी पसंद की है उसे अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी और अनहेल्दी थिंग्स। मैं भी हर चीज़ खाती हूँ बट मैं उनको बैलेंस करना जानती हूँ। मुझे पार्टीज़ में अगर कुछ जंक या हाई कार्ब्स वाला खाना खाना है तो मुझे साथ ही में ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे अपनी मील में से मैंने क्या चीज़ स्किप करनी है, ताकि बैलेंस बना रहे। फ्राइड जंक वगैरह तो वेरी रेयर, इवन मैं अपनी डाइट में कार्ब्स की क्वांटिटी भी बहुत कम रखती हूँ। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, प्रोटीन लेना मैं कभी नहीं भूलती। आई डू रेगुलर एक्सरसाइज, सो पिछले काफ़ी टाइम से मैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स ले रही हूँ, जो कि स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है,
और काफ़ी चेंज देखा है मैंने अपनी बॉडी में। ये मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। मैं इसे स्मूदी में ऐड करके लेती हूँ और कभी ओट मिल के साथ, कभी सिंपल पानी के साथ भी ऐड करके आप ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट टोटली सेफ है इसीलिए मैं इसे आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें कोई शुगर या प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन पाउडर नहीं है बल्कि इसमें सारे ज़रूरी मल्टीविटामिंस और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसमें ग्रीन टी के साथ साथ सिनेमन यानी कि दालचीनी प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी है, तभी तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। हम लेडीज़ में जो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है उसी वजह से हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि इसमें शतावरी, फ्लैक्सीड, तुलसी जैसी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। सोया फ्री और ग्लूटेन फ्री है इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को भी कोई हार्म नहीं करेगा। चॉकलेट फ्लेवर है तो आपकी जो शुगर की क्रेविंग होती है उसको भी सेटिस्फाई करता है। ये एक कंप्लीट ड्रिंक है जो कि मुझे हेल्प करता है हेल्दी और अनहेल्दी फूड को मैनेज करने में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें सारे मल्टीविटामिंस हैं, स्पेशली इसमें B12 है जिसकी डेफिशिएंसी वेजिटेरियन लोगों में ज्यादातर पाई जाती है। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो ही इसे ले सकते हैं, बल्कि वैसे भी डेली हाफ स्कूप लेना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। रेगुलर कंजम्पशन से आप अपने एनर्जी लेवल और हेल्थ में काफी चेंजेस देखेंगे। क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और इंडियन डाइट में प्रोटीन काफी हद तक मिसिंग रहता है, इसीलिए मैं इसे रिकमेंड करती हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। इन केस आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोर्थ पॉइंट इज स्लीपिंग रूटीन। हम में से बहुत से लोग रात को काफ़ी लेट सोते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें सुबह भी जल्दी उठना ही पड़ता है और नींद पूरी ना होने की वजह से भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये सब भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है और एपेटाइट को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाने की क्रेविंग होने लगती है और यही चीज़ हमारी फिटनेस को काफ़ी इफ़ेक्ट भी करती है। मसल्स को रिकवर करने और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप हमें चाहिए ही है। सिंपल फंडा है, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो कम खाएं और ज्यादा एक्टिव रहें, लेकिन ये इम्पॉसिबल है अगर आपकी स्लीपिंग रूटीन ठीक नहीं है। जिस तरह क्लीन डाइट और एक्सरसाइज हमारी फिटनेस के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से नींद पूरी करना भी फिट रहने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिनके स्लीपिंग आवर्स 7 आवर्स से भी कम है उन्हें वेट लॉस करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पुअर स्लीप आपको कन्फ्यूज और एग्जॉस्ट रखती है, दिन भर के वर्कलोड से बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो बॉडी को रिलैक्स्ड और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए वी नीड गुड स्लीप, ताकि नेक्स्ट डे अपने वर्कआउट में हम फुल एनर्जी लगा सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना किसी बर्डन और इरिटेशन के पूरा कर सकें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे मोटिवेटेड। न्यू ईयर की स्टार्टिंग अगर खुद को फिट रखने की रेजोल्यूशन से की गई है तो उसके लिए खुद को मोटिवेट रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कितनी बार ऐसा होगा कि फुल जोश के साथ स्टार्ट की गई आपकी फिटनेस रूटीन लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन की वजह से फेल होने लगेगी, लेकिन ऐसा होते ही आप भी फील करेंगे कि आप फिर से रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। सो अगेन, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं अपने गोल को रिमाइंड करके। याद रखें, डिफ़िकल्ट चीज़ें करने वालों के रिजल्ट भी अमेजिंग होते हैं। ईजी वे आपको कभी किसी गोल तक नहीं पहुंचाएगा। पुश योरसेल्फ टू डू रेगुलर एक्टिविटी, मन करे या ना करे। वीक में एटलीस्ट 5 times वर्कआउट करना ही है और अपनी बॉडी को टॉक्सिक फूड से टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि ये बॉडी उस नेचर द्वारा दी गई ऐसी नयामत है जिसे हम चाहें तो पूरी उम्र हेल्दी रख सकते हैं। जैसे ये बॉडी हमें मिली है, क्यों ना वैसे ही इसे वापस करने का रेजोल्यूशन लें, ना कि बीमारियों का घर बना के। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल एंड यू विल सी वंडरफुल चेंजेस इन योर लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।